हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको मेरी स्केचबुक का एक टूर दूंगी। तो स्केचबुक खोलते ही फर्स्ट पेज पे है ये पोर्ट्रेट जो इनकम्प्लीट है, बट इसमें मैंने शेडिंग का थोड़ा प्रैक्टिस किया था। उसके बाद में स्टोरी टेलिंग के थोड़े कॉम्पोजिशन के टिप्स मैंने इसी में भर दिया था फर्स्ट पेज पे। और यहाँ पे पर्सपेक्टिव कैसे ड्रॉ करना चाहिए उसके ऊपर थोड़े टिप्स है, 1.2 पॉइंट टेक्निक्स है तो यूज़ करते हुए यहाँ पे थोड़े प्रैक्टिस स्केचेस है नेक्स्ट पेज पे। और यहाँ पर एक नए शेडिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए ये एक पोर्ट्रेट है। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे हाईलाइट और शेडो दिखाने का तरीका। सारे टिप्स मैंने इंटरनेट से ही लिए हैं। यहाँ पे और थोड़े प्रैक्टिस स्केचेस हैं और थोड़ा मूड और नज़ाकत कैसे लाना चाहिए पोजिंग से, उस पर थोड़ा काम किया है। फिर नेक्स्ट मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तो आगे के स्केचेस आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये स्केच तांजिरो का था, फिर उसके बाद में नेजुको फ्रॉम डीमन स्लेयर। सारे सेम स्टाइल से बनाया मैंने। ज़ेनित्सु भी है यहाँ पर और बैकग्राउंड में लीव्स ड्रॉ की है। रेनगोकू यहाँ पे थोड़ा स्प्लैश ऑफ कलर्स यूज़ किया है, बट स्केच पेन के वजह से नेक्स्ट पेज पर ब्लीड हो गया वो। ये है फिर तेंगेन फ्रॉम डीमन स्लेयर, यहाँ पे थोड़े पेंसिल कलर्स का यूज़ किया था मैंने, ब्लू और पर्पल। और ये है शिनोबू कोचो फ्रॉम द सेम एनिमे एज डीमन स्लेयर। के बाद में नारुतो में से इताची को ड्रॉ किया था। और ये है जुजुत्सु काइसेन में से एक कैरेक्टर जिसका नाम शायद गेतो है। फिर से एक रैंडम ब्लैंक पेज। और ये है जोरो फ्रॉम वन पीस, वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स। और इस पर भी मैंने वैल्यूज़ और लाइन वेट में बहुत काम किया है, आप देख सकते हो। इस पर बहुत टेक्सचर्स भी है। उसके बाद में सांझी, यहाँ पे बैकग्राउंड भी मैंने बहुत मेहनत की है और एफर्ट लिया है, पर्सपेक्टिव भी दिख रहा है इसमें। नेक्स्ट पेज पे है शैंक्स फ्रॉम वन पीस। और आगे मैं और थोड़े फ्रेम्स ड्रॉ करूँगी यहाँ पर इस पेज पर। और तभी मैंने नेटफ्लिक्स पे एमिली इन पेरिस देखा था, तो उसके थोड़े सीन्स है पिंक कलर में इमोशंस दिखाने की कोशिश सॉफ्ट पेस्टल से। ये है मुजान फ्रॉम डीमन स्लेयर। और यहाँ पर मैंने रेड सॉफ्ट पेस्टल का यूज़ करके थोड़ा दिखाने की कोशिश की थी ब्लड, बट वो मुझे इफ़ेक्ट इतना अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पर है काकाशी फ्रॉम नारुतो। और ये स्केच करते वक्त मुझे हाथ ड्रॉ करने में बहुत प्रॉब्लम आई थी, मुझे लगा था कि नहीं कर पाऊँगी, बट मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए और हैंड्स ड्रॉ करने के। और ये क्यूट सा स्केच मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी डीमन स्लेयर का एक कैरेक्टर है जो हाशिरा है। आगे मैं और भी हाशिरास को ड्रॉ करूँगी यहाँ पर एक फ्रेम करके, जैसे मैंने इसको किया है। और ये है पेन फ्रॉम नारुतो, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी बहुत अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट इज चॉपर फ्रॉम वन पीस। ये भी मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, शेडिंग में एक यूनिफॉर्मिटी डालने के लिए बहुत टाइम लगा। उसके बाद में है नारुतो फ्रॉम नारुतो और मिनातो। और यहाँ पे सनशाइन दिखाने के लिए मैंने येलो पेस्टल्स का यूज़ किया है। और नेक्स्ट नामी फ्रॉम वन पीस। उसके बाद बालों का डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट इज लूफी फ्रॉम वन पीस, ये भी वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स, बहुत जॉली है इन एवेक्विट्स। एंड नेक्स्ट एक इंडियन अटायर में मैंने एक लड़की को ड्रॉ किया था अपने यूट्यूब चैनल के लिए। और एक स्टाइल चेंज करने के लिए एक इलस्ट्रेशन टाइप का मैंने स्केच बनाया था, बट साइकिल का रेफरेंस लेना चाहिए था, मुझे साइकिल इतनी अच्छी नहीं बनी। उसके बाद में है ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर,
आप इस ड्राइंग को स्टार्ट से फिनिश तक मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद में मैंने वाटर कलर का यूज़ किया था इस स्केचबुक पर, बट मुझे बाद में समझा कि ये पेपर वाटर के लिए नहीं बना है, वाटर कलर के लिए। और ख़त्म, मेरा स्केचबुक ख़त्म। और ये है थोड़े बिल्डिंग्स फिर से 2-point पर्सपेक्टिव का यूज़ करते हुए। और स्केचबुक ख़त्म। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।